यूपी के संभल में डिग्री कॉलेज प्रशासन की परीक्षाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से कराने की पोल खुली है। आपको बता दें कि परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र खोल दिया गया। कॉलेज प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि कॉलेज प्रशासन मामले को दबाने में जुटा है। दरअसल पूरा मामला यूपी के संभल में स्थित MGM डिग्री कॉलेज का है। आरोप है कि MA राजनीति विज्ञान के एक वैकल्पिक विषय पर प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही खोल दिया गया। परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों के हाथ में जब वह पेपर पहुंचा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जिस पेपर को उन्हें बांटा गया था उसका पेपर तो अगले दिन होना था। पेपर लीक होने की जानकारी कॉलेज प्रशासन के सामने आई तो कॉलेज में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में छात्र छात्राओं से पेपर लिया गया और जल्दी से प्रश्न पत्र को लिफाफे में रख दिया गया। ऐसा है कि मीडिया के जरिए हमें भी मालूम हुआ कि जो है इस तरह का हुमर जो है वो घूम रहा है कि हमारे यहाँ जो है पेपर जो है लीक हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ जो है कोई पेपर जो है लीक नहीं हुआ है, किसी तरह का वो नहीं हुआ है। और आज भी जो है उस प्रश्न पत्र की जिसके बारे में जो है मीडिया में ये बात आई है उसका जो है पेपर हुआ पूरे विश्वविद्यालय में हो रहा है, कहीं भी जो है पेपर लीक नहीं हुआ है। किस सब्जेक्ट का पेपर था ये? पॉलिटिकल साइंस का जो है वो पेपर था, तो ये ऑप्शनल पेपर था। इसके कुछ पेपर जो है कल हुए थे और आज जो है पेपर हुआ है, तो कल भी पेपर हुए और आज भी जो है वो पेपर हुआ है। उधर कॉलेज प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा हुआ है। अब देखना है कि कार्रवाई के जद में आए कॉलेज प्रशासन पर यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या एक्शन लेती है। बहरहाल पेपर लीक होने की घटना से कहीं ना कहीं परीक्षाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता पूर्ण कराने की कॉलेज प्रशासन की पोल खुलकर सामने आई है। प्रिंस सोलंकी के साथ तेज निगाह के लिए जनपद संभल से गजराम सिंह यादव की रिपोर्ट।